सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 2500 3000 वोट भाजपा को पड़ी यहाँ जी, तो इस बार पड़ेंगे आपका तो यहाँ जी 500 भी मिल जाए तो कमीना था। हमें लगता है इस बार की यहाँ से वोट निकल पाएंगे। यहाँ पे लगभग 10,500 मतलब 10,500 पोलिंग है और यहाँ से 3,000-2,500 वोट पड़ती है जो मोदी ग्राम पे पड़ती है। अब की बारिश का रेशो कम हो जाएगा, हो सकता है कि 500 हो जाए, 1,000 हो जाए, 800 इससे पर नहीं जा पाएगा। प्रदीप चौधरी का हम बहुमत से ही बहिष्कार करेंगे, हमें वोट चाहिए, नोटा को देने पड़े। भाजपा का प्रवक्ता भी रह चुका मैं, भाजपा की तरफ सपोर्ट भी करा, गाड़ी भी ले चला, फायदा मुझे 1% नहीं हुआ। क्योंकि कारण ये है, यहाँ भी वही हाल है, आगे पानी रुक जा, खेतों में परेशानी हो जाए। अब की बार हमने खेतों में मछलियाँ पकड़ी, बताओ बार लगभग दुकानों के अंदर 2-2 फुट पानी हो गया, इतना नुकसान उठाना पड़ा कि सब दुकानदार हैं यहाँ पे, जितने भी दुकानदार आसपास हैं, किसी का 1,00,000 का नुकसान है, 2,00,000 का नुकसान है, किसी का 50,000-20,000, सभी का नुकसान है। जो ये हमारा बस स्टैंड है, किसी की शादी हो तब यहाँ से निकलेंगे और दोस्त सब यात्रा होगी, कोई पानी के अंदर से निकलेगी, उससे क्या होगा, यहाँ पे मच्छर हो जाएंगे, बीमारी फैलेंगी और दोस्त कैंसर की समस्या भी मतलब मोस्टली हमारे गाँव में बढ़ती ही जा रही है। आपके न्यूज के माध्यम से हम प्रदीप चौधरी जी को एक बात कहना चाह रहे हैं, कम से कम पिछले 5 साल उन्होंने ऐसे गुजार दिए जैसा कोई अज्ञातवाद में गुजार रहा हो, हम उनका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे भाई साहब। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी कैराना लोकसभा की हसनपुर लोहारी गांव में है, ये यहाँ के थानाबंद विधानसभा में पड़ता है ये गांव। मुख्य रूप से इसमें अलग अलग बिरादरियों से लोग हैं, सैनी समाज के बहुत लोग हैं यहाँ, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं और बाकी अन्य जातियों के भी लोग हैं। आइए पता करते हैं, चुनाव आने वाला है, क्या लोग यहाँ पर सोच रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर। जी साहब, किन से शुरू करें? आपका नाम? विशांत सैनी। विशांत सैनी जी, विशांत जी बताइए, 24 का चुनाव आ रहा है, 10 साल ये सरकार का काम कैसा रहा है? सरकार का काम तो देख सकते हो जी कैसा रह रहा है, आप इधर कैमरा कर लो। अच्छा, एक सेकंड जरा साइड होइए, क्या दिखाना चाह रहे हैं ये देखिए। 10 साल से क्या हमारे, ये 10 साल से ही है जी, जुगतु माहौल है। अच्छा। अब सरकार का काम तो आप देख सकते हो कैसे है। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए ड्रेनेज का बहुत बुरा हाल है और यहाँ पूरा एक ये गांव का एक बहुत मुख्य चौराहा है जहां पर हम खड़े हुए हैं, उसके बीचे बीच यहां पर आसपास कई सारे व्यापारी हैं जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं और यहीं के आसपास के व्यापारी दुकानदार हमसे बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल बाज़ार के बीचों बीच चौराहा है गांव का जहां पर ये ड्रेनेज की ये प्रॉब्लम है। और ये बता दूँ दर्शकों की कि अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी हम अप्रैल के महीने में, ऐसा भी नहीं है कि अभी यहाँ बरसात का मौसम है कि मानसून है जिसकी वजह से यह हालत है। जी साहब, तो यहाँ सांसद जी आपके प्रदीप जी हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं इस पर? नहीं जी, कुछ नहीं किया बिल्कुल, यहाँ नहीं कोई नहीं आया जी, यहाँ आए नहीं, आपने बोला नहीं उनको यहाँ पर यह हालत है? हम कई बार गए जी, बोला हमने कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा जी, अच्छा, तो ये बताइए मुझे, मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि हसनपुर लोहारी में पिछली बार खासकर की सैनी समाज और उस तरह से एक तरफा भाजपा को वोट गया था लगभग, क्या लोगों ने, क्या आप सांसद जी को एक तरफा आप लोग वोट कर रहे हैं तो आपको कुछ उन्होंने रिस्पांस नहीं मिला? सर, हमने बहुत एप्लीकेशन भी डीएम के यहाँ भी, एसडीएम सब टोटल और जितने हमारे मंत्री हैं सबको रिक्वेस्ट भी कर चुके, एप्लीकेशन भी दे चुके, बार बार हमारे साथी हैं सब ने एप्लीकेशन भी दी, इसका कोई समाधान नहीं है। अब का इसका जो भी चुनाव में लड़ रहा है कुछ भी, हमको पूरा जोर विरोध करेंगे। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, उस मैं चुनाव पर 2 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है ये और यहाँ पर बरसात के समय पर क्या डेंगू वगैरह की बीमारियाँ बढ़ती हैं? बहुत ज़्यादा है, मौतें भी बहुत होती हैं गाँव में इससे। अच्छा, बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है, आसपास के जितने भी दुकानदार भाई हैं इनकी सबका बहुत मोटा नुकसान हुआ है अब कभी। अच्छा, और तब तो पानी कितना भर जाता है यहाँ पे? पानी तो ये समझ लो आप कहीं कहीं फीट हो जाए जी, 4 फुट, 3-4 फुट ऊपर हो जाता है पानी। तो अब ये बताइए, इस साल अभी चुनाव आने वाला है, 24 का समय है, लोकसभा चुनाव है, आपके सामने यहाँ पर मुख्य रूप से बसपा के भी प्रत्याशी है लेकिन अभी इतनी उनकी हवा तो नहीं उस तरीके से बनी है, सपा और भाजपा के प्रत्याशी हैं, आप लोग कहाँ जाने की सोच रहे हैं इस बार? आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं, बाकी उसे भी पूछ लेंगे। हाँ, बताइए। हम तो अभी कहीं नहीं जाने सोच रहे, जब तक हमारा ये सुधार नहीं होना हम कहीं नहीं जाने, हम यही रहेंगे लोहारी में। नहीं तो क्या आप, नहीं नहीं, चलिए लोहारी से तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकते लेकिन वोट कहाँ जाने की सोच रहा है आपका? वोट हम कहीं नहीं देने जितने हमारे गाँव को सुधार नहीं होने। नहीं करने का मतलब नोटा पर? नोटा 100% नोटा। नोटा तो इससे आपको डर नहीं है कि भाजपा को नुकसान हो सकता है? आपने पिछली बार आप कह रहे हैं भाजपा को दिया था, जब हमारा कुछ फायदा नहीं हो रहा, नुकसान की चिंता
नुकसान की क्या चिंता। आप नौजवान हैं, आप भी नौजवान हैं, आपका नाम अनुज कुमार। अनुज कुमार, आप भी नौजवान हैं, 10 साल आप नौजवानों के लिए कैसे रहे हैं? रोज़गार की खास करके अगर बात करें, एक नौजवान लड़का लड़की कॉलेज से जब निकलते हैं पढ़ाई ख़त्म करके, तो एक बहुत बड़ा सवाल रोज़गार का उसके सामने होता है, आप लोग के लिए वो कैसा रहा? देखो, अगर बात करें पूरे सेंट्रल लेवल पे, पूरे भारत की बात करें, तो सरकार ने सही काम किया, लेकिन हम लोग गाँव की बात में आते हैं। जैसे हमारे सांसद हैं प्रदीप जी, पिछले 5 साल में उनकी शक्ल नहीं दी गई, वो दिखे नहीं हमें यहाँ पे। और हम तो मैं बाहर रहता हूँ, बट मैं जब भी आता हूँ, मेरे को ये पानी हमेशा मिलता है यहाँ पे। आप कहाँ जाते रहते हैं? मैं गाजियाबाद रहता हूँ। वहाँ नौकरी कर रहे हैं? जी जी। बार चुनाव में आप क्या, आप कह रहे हैं आप सरकार से नाराज नहीं है लेकिन सांसद से नाराज हैं, तो इस बार आप चुनाव में क्या सोच रहे हैं? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, बट मेन वही है कि नोटा ही है हमारा, अगर हमारे गांव का विकास नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग? विपक्ष पर नहीं जाएंगे? लेकिन नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष का भी नहीं है, मतलब इसमें कुछ कंफर्म नहीं करेंगे क्या है, लेकिन अभी हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव। अभी बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। जी, आपका नाम सर? संदीप कुमार जी। जी संदीप जी, चुनाव आ रहा है, आप भी क्या इस बात से लेकर इतना नाराज हैं या इतनी नाराजगी नहीं? नाराजगी आज छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं जी, हाँ जी, उन्हें परेशानी हो गया इस पानी से। अच्छा। जो दुकानदार लोग हैं, हाँ, उन्हें भी दिक्कत है जी, इस हाँ, पानी की समस्या हल होगी तो सब कुछ हल हो जाएगा जी। तो आप लोग गए हैं, ये कह रहे हैं सांसद जी के पास भी कई बार गए हैं, उन्होंने कोई समाधान करने की कोशिश नहीं? हाँ जी, एप्लीकेशन दी, सब गए हैं, तो एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया जी। तो आप क्या कर रहे हैं कि इस बार आप भी उनको रिजेक्ट करेंगे, जैसे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है? रिजेक्ट ही हो जाएगा जी, जब पानी नहीं जाने का यहाँ से। अच्छा। गड्ढो गड्ढो पानी भर जा रही, बताओ क्या करें? और छोटे 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 बच्चे हैं, वे निकल नहीं पाते पानी की वजह से, उन्हें मोटरसाइकिलों पर निकालना पड़े। तो ये बताइए कि फिर इस बार क्या आप भी इनकी तरह नोटा सोच रहे हैं या विपक्ष में इकरा हसन को या बसपा को देने की सोच रहे हैं, क्या सोच? अजी सोचना क्या, जब पानी नहीं जाने का तो सोचेंगे क्या? अच्छा, जब पानी आता है समस्या हल हो जाएगी तो सबके बारे में सोचेंगे। अच्छा, अभी सोच ही नहीं रहे हैं? चलो, अभी सोचना ही नहीं जी, लगभग बहिष्कार की बात है। हाँ जी, ठीक है। आप क्या कह रहे थे जी, मतलब आपका नाम साहब? जी जी, कुलदीप कुमार सैनी। प्रदीप जी बताइए, चुनाव आने वाला है, आप भी इसी गांव से ही? हाँ जी। बताइए जी, नाराजगी तो सबकी नज़र आ गई, किस बात की है? भाई हमें तो कैंडिडेट ही पसंद नहीं है, जब आज तक उन्ना आ गए झंग कहीं नहीं आती बिल्कुल भी, कौन मर रहा कौन जी रहा, 5 साल तक आज तक आके झंके ही नहीं बिल्कुल भी, लुहारी का उन्हें नाम ही नहीं पता कहाँ से है लुहारी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 10 साल 5 साल में वो रहे हैं, इससे पहले भी यहाँ के सांसद बाबू हुकम सिंह, उससे पहले मुनव्वर हसन और ये सब चुने, ढाव पड़े रहे थे, 2500 3000 वोट भाजपा को पड़ी यहाँ जी। हाँ, तो इस बार पड़ेंगी आपका तो यहाँ जी 500 भी मिल जाए तो कमीना था। अच्छा, इतनी नाराजगी है? हाँ जी, मुख्य रूप से इसी चीज़ पर नाराजगी है प्रदीप जी पर, इन्हीं चीज़ों की वजह से कि वो आए नहीं आपकी? ऐसी समस्या तो बहुत है भाई साहब, यहाँ बताइए थोड़ा, ढेर समस्या है यहाँ, जोड़ नहीं खुद पारा, आगे दूसरे गांव वालों ने पानी रोक रखा, सप्लाई नहीं है जोड़ के। अच्छा, जोड़ का ही बंद कर रखा है? अब और क्या, ना कई लगा रखे लोगों ने, खेलने का मैदान नहीं बना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी, कोई नहीं देख रहा यहाँ तो, वोटो वोटो को हमें। आपका नाम साहब? सर राहुल योगी। राहुल जी, भाजपा का प्रवक्ता भी रह चुका मैं, भाजपा की तरफ सपोर्ट भी करा, गाड़ी भी ले चला, फायदा मुझे 1% नहीं हुआ। आप भाजपा के सदस्य हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं जी, और फायदा 1% नहीं हुआ, क्योंकि कारण ये है, यहाँ भी वही हाल है, आगे पानी रुक जाए खेतों में परेशान नहीं हो जाए मैं, अब की बार हमने खेतों में मछलियाँ पकड़ी, बताओ तो। अच्छा, मछलियाँ पकड़ी योगी जी, तो बताइए फिर वोट का क्या करना है इस बार? नहीं, वोट तो मोदी जी को देंगे, लेकिन ये तो टिकट गलत दे दिया उन्होंने, तो फिर क्या मतलब, टिकट भी गलत दे दिया, काम भी नहीं हो रहा, लेकिन वोट फिर भी वहीं जाएगा, वो मजबूरी बनेगी ना, मजबूरी बनेगी। मजबूरी क्या है? मजबूरी माननीय मोदी जी की है, उन्होंने जो ऐसे ऐसे काम कर राम मंदिर बना दिया। अच्छा, और इकोनॉमिक पढ़ लेके हमारी है, सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ तो। जी साहब, आपका नाम क्या हुआ? अमित। हाँ जी, अमित सैनी। अमित जी बताइए, चुनाव आ रहा है, समस्याएं आपके गांव वाले बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं करेंगे समस्या के बेचारे, कुछ लोग कह रहे हैं समस्याएं बहुत है लेकिन फिर भी वोट भाजपा पर ही जाएगा। जी, इसमें ऐसा ना कि जो मतलब ये पीएम मोदी कार्य है उन्हें देख कर तो वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इस गांव की बात करें तो हमें लगता है इस बार की यहाँ से वोट निकल पाएंगे, यहाँ पे लगभग 10,500 मतलब 10,500 पोलिंग है। हाँ जी। और यहाँ से 3,000-2,500 वोट पड़ती हैं जो मोदी के नाम पर पड़ती हैं, अब की बारिश का रेशो कम हो जाएगा, हो सकता है कि 500 हो जाए, 1,000 हो जाए, 800 हो जाए, इससे पर नहीं जा पाएगा। ये आप भी कह रहे थे कि कम हो जाएंगी वोट जी। मैं हम तो एक बात करें, मैं साहब प्रदीप चौधरी का, हम बहुमत से ही बहिष्कार करेंगे, हमें वोट चाहिए, नोटा को देनी पड़े, लेकिन वोट आप नहीं करेंगे? नहीं करेंगे भाई साहब। पानी की समस्या इतनी बड़ी है, पिछले 5-10 साल से लगातार, इस बार लगभग दुकानों के अंदर 2-2 फुट पानी हो गया, इतना नुकसान उठाना पड़ा कि सब दुकानदार हैं यहाँ पे, जितने भी दुकानदार आसपास हैं, किसी का 1,00,000 का नुकसान है, किसी का 2,00,000 का नुकसान है, किसी का 50,000 20,000, सभी का नुकसान है।
हसनपुर लोहारी गांव में चलचित्र अभियान पहले भी आए हैं। यहाँ पर ये सुमित जी हैं जिनकी भतीजियाँ दोनों दंगल करती हैं, बहुत कम लड़कियाँ यहाँ दंगल करती थी, तो उन पर एक हम वीडियो बनाने आए थे बहुत साल पहले। सुमित जी बताइए, कुछ खेल के प्रावधान के रूप में कैसी रही है सरकार 10 सालों में? बेसिकली क्या है ना, जो खेल का है जो बीटी आती अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन बेसिकली मुद्दा हमारा ये बस अड्डे का पानी का है। हाँ। और इसमें यह है कि पिछले 5 साल से जो हमारे सांसद थे एक बार भी हमारे गांव में नहीं आए। अच्छा। किसी ने 90% लोगों ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। अच्छा। जो ये हमारा बस स्टैंड है, किसी की शादी हो तब यहाँ से निकलेंगे, और दोस्त सब यात्रा होगी वही पानी के अंदर से निकलेगी, उससे क्या होगा यहाँ पे मच्छर हो जाएंगे, बीमारी फैलेंगी, और दोस्त कैंसर की समस्या भी मतलब मोस्टली हमारे गाँव में बढ़ती ही जा रही है। ये कैंसर की भी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, कम से कम 34 केसेस होंगे जो अब तक हो चुके हैं। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक तबका यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हिंदुत्व के नाम पर, कम से कम ईमानदारी से बोल रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर वोट कर रहे हैं, और हम वोट कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पर। हम लोग इस बार वोट ही नहीं करेंगे, वोट ही नहीं करेंगे, हम तो बहिष्कार करेंगे चुनाव का, हम बेसिकली करेंगे प्रदीप चौधरी का। हमें ऐसा कोई भी MP नहीं चाहिए जो आके गांव वालों की समस्या को नहीं सुन सकता है, उससे अच्छा हमारे मंत्री थे, हर महीने 2 महीने 6 महीने में आते थे, मतलब सुरेश राणा, ठीक है, जो विधायक थे, समस्या थी उनसे हम बोलते थे, सुनते थे वो, लेकिन ये लोग तो आते ही नहीं है, पिछले 5 साल से बिल्कुल नहीं आए, तो इन लोगों को कैसे वोट करें? आपके न्यूज के माध्यम से हम प्रदीप चौधरी जी को एक बात कहना चाह रहे हैं, कम से कम पिछले 5 साल उन्होंने ऐसे गुजार दिए जैसे कोई अज्ञातवास में गुजार रहा हो, अब की बार आके दर्शन तो दे, पता तो चले, उन्हें गांव में आते नहीं है वो, गांव में आएंगे तो गांव की समस्या को पता चलेगा। भाई साहब हम उनका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, भाई साहब वोट तो हम नोटा को ही देंगे, नोटा को देंगे जी। ये मतलब आप कह रहे हैं चांस नहीं है कि नोटा की जगह आप विपक्ष में किसी को दे, सपा या बसपा या किसी, विपक्ष में तो हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन हम नोटा में जाएंगे, हम नोटा को वोट करेंगे। प्रदीप चौधरी जी को आप एक मैसेज हमारा ये पहुंचा देना, लेकिन गांव में लोगों ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी, वो कैसे हैं, दिखता कैसे, काम कैसे किए, हमें तो पता नहीं उन्होंने काम कैसे किए नहीं किए, लेकिन वोट तो उनको नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। काम की बात करें तो पिछले 5 साल में 4 लाइट आई थी प्रदीप चौधरी के MP कोटे से, उनमें से 1 लाइट जलती है, आने के बाद भी 3 लाइटें आज भी बंद पड़ी है, उसकी कंप्लेन भी हम कर चुके हैं कितनी बार, आप देख सकते हो बंद ही पड़ी है, ठीक है ना, ये आप जो सामने स्ट्रीट लाइट्स हैं आप ऊपर भी लगी है ये, अच्छा ये 4 में से 1 ही चल रही है, अगर ये लाइट भी वो ले जाना चाहते हो तो ले जाए भाई साहब, ये तो गाँव की तरफ तो देख ही नहीं रहे। इसके अलावा हमारे पास कोई भी काम नहीं आया प्रदीप चौधरी की तरफ से। और कोई बात करना चाहेंगे आप लोग जो पीछे खड़े हैं? हाँ जी सर, हमारी हसनपुर लोहारी की मेन जगह है जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सागर सैनी है जी, सागर। हमारी हसनपुर लोहारी की मेन जगह है, ये हमारे सब दुकानदार भाई हैं यहाँ से। हाँ जी, अब जो एक बात देख लो, अब इसका हालत देख लो कि कस्टमर कहाँ को आओगा, हमें सीधी सी बात ये बता दो। तो एज अ व्यापारी आपका बहुत नुकसान हो रहा होगा इस व्यापार में, हमारे देख लो गल्ले में जो हमारा मेरा बैंकिंग का काम है जी, गल्ला मेरा जो मैंने पैसे दे उसमें सारे पैसा तैयार करता, पानी भर गया था, इतना दद्दा पानी था, ये स्थिति है यहाँ की, स्थिति बिल्कुल खत्म है। मानने बाद जो हमारी मेन जगह है यहाँ से लोहारी की, उसका ही कोई सुधार नहीं हो रहा, पहले बताओ हम क्या करें? अभी क्या इरादा है 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव में कुछ भी इरादा नहीं है जी, इरादा तो हमारा ही हुआ है, मानने बाद जिसका मन में तो सीधी बात है, इसका समाधान चाह बस, मतलब क्या वोट का भी बहिष्कार कर रहे हैं, नोटा कर रहे हैं? बहिष्कार करेंगे हम किस बात का? हाँ जी, एक बात तो बताओ, सब में बड़ी समस्या है हमारे हसनपुर लोहारी की, आज तक इस पे किसी का मानने बाद कोई वो नहीं है, न तो कोई आगे जागता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सब दुकानदार भाई है यहाँ से, किसी से पूछ के देख लो कितना ठंडा नुकसान है, मरे वही तो भाई है। भाई साहब ऐसा है, अगर कोई सब यात्रा भी आ रही कोई गांव में मौत हो जाती है, इसी गंदे पानी से होकर ही गुजरेगी, बारात जाएगी। अब एक बात तो बताओ, कहीं बाहर से बारात आ रही है वो इधर को जाएगी, वो कहाँ को जाएगी? किसी के मौत हो रही है, बेचारे बच्चे हैं, मौत। और ये मेन रास्ता है बिल्कुल गाँव, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे पैरों को ऐसे करके चलते हैं तो कैसे लगेगा भाई साहब? ऐसा भी नहीं है कि इस रास्ते को आप नज़रअंदाज करके कोई छोटी गली ले सकते हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, वहाँ से आप अगर गांव से अंदर आएंगे तो इसी रास्ते से आपको गांव के अंदर आना पड़ेगा, यहाँ से जब आप गांव के अंदर आएंगे, मतलब लोहारी की मेन जगह है जी, इसकी हालत यह है, छोटे छोटे बच्चे में स्कूल में बेचारे किस तरह जाएंगे बताओ, बहुत बुरी हालत है। ठीक है, इससे बड़ा कोई नहीं समझ लो, हमारे आगर हालत खराब हो रही है, बहुत बड़ा हिसाब है। अभी ये जो पानी का हमने इतना बड़ा यहाँ पर जो समस्या देखी है, ड्रेनेज इतनी खराब है, उसके आसपास जो दुकानें हैं उनके दुकानदारों से एक बार बात करते हैं, बाकी यहाँ गाँव के दुकानदारों से बात करते हैं कि उनको क्या दिक्कतें होती हैं। जी साहब, आपका नाम? साहब संदीप सैनी जी।
संदीप जी एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ दुकान के सामने ये जो पूरा एक स्विमिंग पूल बना रहता है, तालाब बना रहता है साल भर, और उसको लेकर क्या आपकी दुकान पर कितना असर होता है? बहुत असर होता है जी। अच्छा, ग्राहक नहीं आ पाते। अच्छा जी। और बारिश के समय में पानी गड्ढों गड्ढों तक हो जाता है। तो क्या आपको दुकान बंद करनी पड़ती है? बंद ही करनी पड़े, पानी भर जाता है जी अंदर तक। अच्छा जी। पानी की निकासी कुछ नहीं है जी। जी काफ़ी नुकसान हो गया। बहुत नुकसान है जी। रात के टाइम बारिश हो जाओ तो रात को थोड़े उठ के आवेगा मतलब दुकानदार अपने घर से। तो ये बताइए, आप दुकान बंद करके रखते हैं तो नुकसान कितना हो जाता है? नुकसान तो जी 10 से बस नुकसान ही है जी। हाँ नुकसान ही है जी। नीचे मतलब सामान रखा हुआ रहता है तो मतलब 20-30 हज़ार रुपये तक के नुकसान हो जाता है। बड़ा नुकसान है जी, बड़ा नुकसान है। और यहाँ पर क्या मच्छर वगैरह की भी दिक्कत होती है? मच्छर भी है जी, और मतलब बीमारी भी बहुत फैलती है। हाँ। पीछे मतलब बुखार डेंगू वगैरह मतलब बहुत उसमें चरम सीमा पर रहा जी। आपको भी दिक्कत हुई है? दिक्कत बहुत है जी। दिक्कत हुई है जी। क्या MP साहब ने कुछ बात करी है आपने उनसे? कोई बात नहीं हुई जी, 5 साल तक हमने तो दर्शन भी नहीं करे। नहीं किया उन्होंने बिल्कुल दर्शन नहीं। फोटो में देखे जी, वैसे तो हमने देखे नहीं। रोहित जी काय की दुकान है हमारी? सर मेरी पेस्टिसाइड की दुकान है। पेस्टिसाइड की दुकान है। कितना आपको तकलीफ हो रही है इस तालाब की? तकलीफ तो आप ये पूछो कि मतलब पूरे दिन यही माइंड में चलता है हमारे। हमारा काम बंद है, रोजगार कुछ नहीं है, कस्टमर तो आएगा नहीं हमारे पास। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे बादल होंगे ना, हमें बड़ी टेंशन हो जाए, क्योंकि हमारी दुकान में ना जब बारिश हुई थी पिछली बार तो ये घुटने तक के पानी था। अभी भी अगर आप देखोगे ना, निशान नहीं है बेंच पे अब तक के, ये देखो कहाँ तक के पानी भरा हुआ था शोर में। अब आप ये देखो जितना पानी आपका तो यहाँ पेस्टिसाइड है, ये तो बहुत नुकसान होता है। बहुत, मेरा कम 1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ था जिस टाइम का। बड़ा नुकसान हुआ। और मैं पूरी रात यहाँ पे भागा फिरता रहा, कभी कुछ करा, और मेरा घर भी नज़दीक में ही पड़ता है और घर के अंदर भी मेरे पानी था। तो मानसून में बंद करनी पड़ती है दुकान, क्या करते हैं? मानसून में देखो मैंने बाउंड्री लगाई, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, मेरी मजबूरी। क्या कारण क्या होगा कि पानी ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन अगर हमने ज़्यादा ऊंची कर दी तो कस्टमर नहीं आएगा। अगर कस्टमर हमारे पास जितना भी इधर का कस्टमर हमारा, कोई नहीं हमारे पास आना पसंद करता, इस पानी को कौन पार करके आएगा? अब अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, मच्छर इतना काटेगा कि हमें यहाँ पे मोर्टिन वगैरह लगा के बैठ पाएंगे, वरना यहाँ पे आप एक मिनट नहीं बैठ। यहाँ के जितने भी दुकानदार भाई हैं सब इकट्ठे हो गए, हम DM के पास भी गए, अपनी शॉप बंद रखी, DM को भी। सांसद सुनते नहीं है आप? सांसद तो सुनते ही नहीं, हम तो जानते भी नहीं, अगर हमारे बीच में खड़ा हो जाए मैं तो पहचान भी नहीं पाऊंगा सांसद कौन है। ये शिकायत कई जगह से है कि दिखते ही नहीं है, 5 सालों में दिखे नहीं है। बिल्कुल भी नहीं जानते, उसे कोई भी नहीं जानता। ये यहाँ के निवासी हैं, दुकानदार हैं, जिनके पूरे पूरे लगभग धंधों में इतना ज़रा बड़ा नुकसान हो रहा है, लाख लाख सवा सा लाख तक कभी कुछ लोगों का नुकसान हुआ है। उम्मीद यही है कि अब सरकार जिसकी भी आए, जो भी सांसद बने, वो यहाँ पर आके कम से कम ऐसी मूलभूत दिक्कतों पर अपना ध्यान लगाएं और इन चीज़ों का समाधान ढूंढें, क्योंकि हमें लगता है, कम से कम CCA को लगता है, इन्हीं मूलभूत मुद्दों पर ही चुनाव होने चाहिए, ना कि धर्म या जाति के आधार पर। और हमारी कोशिश यही होती है कि इन्हीं मुद्दों को सामने लाएं जनता के। CCA के साथ जुड़े रहे चुनावी सफ़र में, पूरे UP में आपके साथ हम घूमते रहेंगे। धन्यवाद।